या को लो
राजे कुमार पुत्र पुचकार हो पुत्र पुचकार रे याने बांध पीठ तेली भारत में और भेजते फिर से या
100 रुपए का पुरस्कार। ओमवीर सिंह जी पंडित साहब, ओमवीर शर्मा जी पंडित जी दे रहे हैं 100 रुपए का पुरस्कार। हम बार बार आशीर्वाद की कामना करेंगे। भैया जी, बाबा साहब ध्यान को उसी जगह केंद्रित कर ले जिस जगह पर मैं अपना प्रसंग, अपना जिक्र, अपनी कहानी छोड़ कर गई थी। दल बदलू नहीं होंगी बाबा साहब, कलाकार बंधुओं ने अपना प्रसंग बदल दिया, लेकिन ध्यान उसी जगह केंद्रित करें। आज रानी अंजना अपने ससुराल से निकाल दी गई, और बाबा साहब विचार करने वाली बात, जब एक बेटी अपने ससुराल से निकाल दी जाती है, जब ससुराल से निकाल दी गई हो उसके पास केवल एक ही अवसर मिलता है, एक ऐसा मौका होता है कि वो अपने पीहर जा सके। आज पीहर में पहुंच गई, अपनी माँ को बाबा साहब सारी व्यथा सुना दी। जब अपनी माँ को वो सारी व्यथा सुनाती है, अंजना की माँ, बाबा साहब जिसका नाम था अहिल्या, आज अहिल्या ने सारी बातें सुन ली। और सुनिए आज भैया जी झड़ में जवाब दे रही अहिल्या, और गौर कीजिएगा कैसे। और ले बेटी तेरी सास अगर रे 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 रे। क्या? और ले बेटी तेरी और सास अगर विश्वास करे ना तेरो, और लबाई के पक्ष में, और लबाई के पक्ष में जान ले बेटी फैसला जी मेरा। हो रहे हैं, और भैया गुड्डू आज अर्थ में अपनी माँ से कह रही है कि सुन माँ, मेरे आशाओं के बादल को, क्या कि मेरे आशाओं के बादल को तूने आंधी बनकर उड़ा दिया। अरे जैसे दुल्हन के काजल को माँ आंसू बनकर उड़ा दिया। ले ले माँ भलाई जग में, ले ले मात भलाई जग में, और क्यों मेरा पिहर छुड़ावे, और नैनन से नीर। जब इतनी बातें सुनी आज बाबा साहब, अंजना गौर कर रही है, सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं। लेकिन भैया गुड्डू आज अंजना की माँ
एक उपाय बता रही अंजना के लिए कि सुन बेटी, और ले तेरी और तेरी सास की बात को, और ले मेरे दिल भ्रम है, और ला ऋषि अगस्त का, और ला ऋषि अगस्त का थोड़ी दूर पे बनोजी आश्रम नहीं बसता। आज माँ के कहे अनुसार ऋषि अगस्त के आश्रम के लिए रवाना हो गई। ऋषि अगस्त के आश्रम के लिए जा रही है। विकट बनी में पहुंच गई। रात्रि का समय हो गया और आज बाबा साहब सुनिएगा, होने क्या लगा भैया, कैसे जवाब दे रही है। बरसात भारी ओलन की तो है रही है बरसात।
भैया जी जवाब क्या दिया आज रानी अंजना ने किया क्या कैसे बताया भैया गुड्डू क्या कहने लगी क्या अरे मारे चीख क्या हो मारे चीख जीव जंगल के तुम कैसे ऐसे बैठी हैं साहब शांत शांत सी अब दोबारा लॉकडाउन लगवे बारो फिर तुम्हारा कोर्ट जाने करो पहले निकाल लियो भैया जी कहा क्या हो मारे चीखी और जीव जंगल के और क्या हो लाज मेरी हाँ हेर लाज मेरी वो कैसे तो बचेगी दासी लाज हो लाज मेरी कैसे तो बचेगी दासी लाज लेकिन भैया गुड्डू कहा क्या ए ओहो मेरे भैया रे ओहो मेरी जीजीरी हम बे मेरी बहनारी और गिरत परत आगे हो जाए रही मेरी बहनारी और गिरत परत आगे जाए रही क्यों अरे हेरे मेरो कहाँ पड़ो है क्या अरे हम बे पड़ो है या ओ बाबा का पड़ो है या और बहना का पड़ो है या कठिन भूमि से काम मेरी जी जीरी और गिरत परत आगे हो जाए रही मेरी बहनारी और गिरत परत आगे जाए रही समय का अभाव भाई गुड्डू जी बहुत बढ़िया अच्छे वादक हैं इस पर खुश होकर के हमारे भूतपूर्व सरपंच साहब श्री मान सिंह जी इनको 51 रुपए देते हैं बहुत बहुत धन्यवाद हाँ टाइम कीपर टाइम और ये 100 रुपए का पुरस्कार हमारे बड़े भाई रमसो सिंह जी बछामदी निवासी दे रहे हैं बार बार मैं आशीर्वाद की कामना करूंगी 5 मिनट आइए सज्जनों बाबा साहब कलाकार बंधु एक से बढ़कर एक और एक से बढ़कर एक गाना सुना रहे हैं लेकिन गुरुदेव आप लोगों ने सुना होगा और आप लोगों को ये बात विदित भी होगी अयोध्या नगरी से बाबा साहब 3 प्राणी अयोध्या नगरी को छोड़कर चले गए लेकिन अब गाने में थोड़ा सा अंतर आ रहा है 3 प्राणी तो जरूर गए लेकिन बाबा साहब 3 करके गए 3 बार गए और तीनों बार बाबा साहब एक ही खासियत 2 नर और 1 नारी गई अब विचार कीजिएगा कि वो 3 प्राणी कौन भए जो बाबा साहब अयोध्या नगरी को छोड़कर के चले गए गुरुदेव आप भी विचार कीजिएगा और भैया गुड्डू फिल्मी दुनिया वालों ने बड़ी प्यारी सी एक तर्ज निकाली थी और तर्ज के बोल सुनिएगा भैया कैसे जवाब दे रहे हैं और ऐसे ना जा कपाओगे कहा क्या भैया वो ऐसे ना जा कपाओगे और मेरा दिल तोड़ के है क्यों हम खुद ही चले जाएंगे तेरा शहर छोड़ के लेकिन बाबा सब बात आ रही है कि वो 3 प्राणी कौन गए सबसे पहले कौन गए थे अयोध्या नगरी को छोड़ करके कहा क्या गुरुदेव कहा मेरे था एक सत्यधारी जिसने वो कर्म है किया क्या मेरे था एक सत्यधारी जिसने वो कर्म है किया 51 रुपए का पुरस्कार केवल सिंह जी फौजी जो हमारे यहाँ से 9 पंचायतों पर लड़े थे
बताओ, नौ पंचायत को चुनाव लड़ रहे हैं और छोरी को 51 रुपया, क्या बात है सर। एक बार निवेदन करूंगी, सब जोरदार ताली बजा दो इनके नाम। भैया जी कहां क्या हेरे था एक सत्यधारी जिसने वो कर्म है किया और सब कुछ किया, सब कुछ किया नोछावर जिसने वो मर्म है लिया। सत्य के पीछे तन मन धन सब कुछ लुटा रहा और रोहित को लेके तारा के संग बाहर को जा रहा। क्या बात है, लेकिन आज राजा हरिश्चंद्र ने हाथ जोड़ लिए और प्रजा से कहा कि हे प्रजा, अगर आज मैं नहीं गया ना तो आज मेरा सत चला जाएगा। इसलिए कह दिया क्या, और मैं मांगू भीख रानी। जा रहे हैं अब बाबा साहब, तीन कौन कौन जा रहे हैं? राजा हरिश्चंद्र, उनके पुत्र रोहतास और उनकी रानी तारावती। इसीलिए भैया कहा क्या, और हम तीनों जा रहे हैं, हम तीनों जा रहे हैं मेरा अबध छोड़ के, हम तीनों जा रहे हैं मेरा अबध छोड़ के। और ये 51 रुपए का पुरस्कार रामवीर सिंह जी सोनेरा निवासी दे रहे हैं। बार बार आशीर्वाद की कामना करूंगी। अब भैया जी बात आ रही है दूसरी बार, अब दूसरी बार वो तीन प्राणी कौन भए जो बाबा साहब अयोध्या नगरी को छोड़कर चले गए। सुनिएगा कहा क्या, मारा है मेरे श्रवण को क्या, मेरे मारा है मेरे श्रवण को तरकस के तीर से, और ज्वाला नहीं, हाँ ज्वाला नहीं बुझेगी दिल की टोमी के नीर से। क्यों और बेशक थे अंधे हम दोनों। और ये 100 रुपए का पुरस्कार हुकम सिंह जी सेवला ब्रेटा निवासी हमारे लिए दे रहे हैं। बार बार आशीर्वाद की कामना करूंगी। भैया कहा, बेशक थे अंधे हम दोनों पर ना मलाल था, पर इस अंधेरी दुनिया में दीपक वो लाल था। लेकिन आज श्रवण कुमार के पिता कह रहे हैं वो अब मुझको नहीं रखना। क्या, अब मुझको नहीं रखना, अब मुझको नहीं रखना जब से है नाता जोड़ के है। क्यों और हम तीनों जा रहे हैं। अब तीन कौन कौन जा रहे हैं साहब, इनको तो यूं समझो साहब कमेटी में बैठा तो दिए, पर यूं जानो भैंस के आगे बीन बजाई तो भैंस ने जानी सानी आनी। कौन कौन जा रहे हैं साहब तीन जने, श्रवण कुमार, श्रवण कुमार के पिता और श्रवण कुमार की माता। इसीलिए कहा क्या, और हम तीनों जा रहे हैं, हम तीनों जा रहे हैं मेरा अबध छोड़ के। अब बात समय के अनुसार गुरुदेव, बात तीसरी बार, और तीसरी बार वो तीन प्राणी कौन से हुए जो अयोध्या नगरी को छोड़कर चले गए। सुनिएगा कहा क्या, हेरे राजा बनेंगे राम कल, हेरे राजा बनेंगे, राजा बनेंगे राम कल, ऐलान कर दिया। पर दासी थी, हाँ दासी थी मंथुरा के, कई के जा कान भर दिया, और के कैसे, के कई ने मांग मांगी ऐसी सोची न मांग थी। भरत को मिलेगी, भरत को मिलेगी गद्दी, बन को जाएंगे राम जी।
लेकिन आज राजा दशरथ महारानी कैकेयी के आगे हाथ जोड़ करके कह रहे कि रानी सुन, कहा क्या वो अब मैं मांगू भीख रानी, क्या और मैं मांगू भीख रानी, मैं मांगू भीख रानी दोनों हाथ जोड़ के है, और ये तीनों जा रहे हैं। अब तीन कौन कौन जा रहे हैं साहब, इनकी तो पता है लाल नुकर साहब, राम लक्ष्मण और सीता भैया जी, और ये तीनों जा रहे हैं, तीनों जा रहे हैं मेरा अबध छोड़ के। लेकिन गुरुदेव ये बात थी त्रेता युग की, लेकिन अब कलयुग की बात भी है साहब, कलयुग में भी। और आज जो आपका ये पपरेरा गांव अयोध्या नगरी की तरह सुशोभित हो रहा है, इस अयोध्या नगरी से वो बाबा साहब तीन प्राणी जा रहे हैं अभी अभी जाएंगे, और तीनों में वही खासियत होगी, तीनों में वही खासियत कि दो नर और एक नारी जाएगी। अब सुनो कौन कौन जाएंगे, हमारे ढोलक वाले भाई साहब, हमारे झीका वाले भाई साहब, और आपके सामने गा रही हूँ मैं, इसीलिए कह दिया हम खुद ही चले जाएंगे गुरुदेव, क्या हम खुद ही चले जाएंगे, हम खुद ही चले जाएंगे तेरा गांव छोड़।